उछला है, बाजार 1050 पॉइंट कहा जा रहा है उछला है, बाजार में उत्सव का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है, बाजार बम बम होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बजट पसंद आया है। जी हाँ, बाजार के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं किया, मतलब लगाया नहीं गया है, तो इससे बाजार को काफी राहत मिली है। और दूसरे ये कि विकास का जो एक बहुत ज्यादा इसमें जोर दिखता है, क्योंकि जैसा अभी कुमारदीप बता रहे थे कि कैपिटल आउटले बहुत बढ़ाया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ रुपए, 33% सीधे इजाफा करना, रेलवे पर काफी खर्चा बढ़ाना, तो ये सारी चीजें बाजार को पसंद आई हैं, निश्चित रूप से पसंद आई हैं। और जिस तरह से मध्यवर्ग को राहत मिली है इनकम टैक्स में, वो काफी ओवरड्यू था, बहुत समय से बाकी। बाजार को बड़ा पसंद आया है बजट। जी बाजार को तो पसंद आएगा ही, क्योंकि अगर सरकार, अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, इसका मतलब है निवेश आएगा, इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर को भी ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप आए, इससे रोजगार बढ़ेंगे, लिहाजा बाजार बढ़ेगा, बाजार गदगद। सरकार ने पहले जितने पब्लिक सेक्टर बैंक थे उनकी बैलेंस शीट जो है उसको साफ किया, स्ट्रेस फ्री किया, अब क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने लगा है। ऐसे समय पर अगर सरकार अपना निवेश बढ़ाती है तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है प्राइवेट सेक्टर के लिए, और इसीलिए एक बार का बढ़ना, दोनों का इन्वेस्टमेंट बढ़ना, मतलब रोजगार बढ़ना, मतलब इकोनॉमी की रोजगार का। थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि अर्थनीति और राजनीति के बीच में जो संतुलन है, उन्होंने कहा है कि फिस्कल डेफिसिट को 5.4% के लगभग ले आने की कोशिश की जाएगी, 4.5 के पास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।